कौन समय की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि सभी व्यक्तियों को ये दिक्कत हो रही है कि पहले UPTET पढ़ें या CET पढ़ें, क्योंकि जब भी मैं शुरू से ही बताता रहा था कि जब भी UPTET की परीक्षा होगी फोर्थ सेमेस्टर के बाद ही होगी, जो DLED की फोर्थ सेमेस्टर चल रही है इसके बाद भी होगी। बहुत सारे लोगों ने बताया 17 नवंबर होगी, लेकिन मेरा ना कोई एक पोस्ट आया ना मैंने कोई वीडियो डाली कि मैं शुरू से कहता रहा था कि परीक्षा जो होगी ये DLED के बाद होगी, और DLED के बाद समय जो ऐसा है छुट्टियाँ उधर ज़्यादा हैं, इसका मतलब यह है कि CET के बाद होगी, ऐसा पूरी तरह से अब कन्फर्म हो चुका है। तो जैसा कि अभी परसों मेरी बात हुई थी शाम को PNP पे, तो वहाँ एक बात और स्पष्ट हो रही थी कि अभी तरह से सरकार रूपरेखा कोई तैयार नहीं कर पाई है, ये भी संभव नहीं है कि इस वर्ष परीक्षा UPTET की हो जाए, मतलब दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी का प्रथम या द्वितीय वीक भी UPTET परीक्षा ले सकता है। अब प्रश्न उठता है तो उसके पहले आपका CET है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये बना है कि हमें UPTET पढ़ना है, हमें UPTET पढ़कर पास होना है। ये मैं अगर 1000 अभ्यर्थियों से मिला हूँ तो 900 अभ्यर्थी ये कहते हैं, जबकि मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा, कुछ जानते होंगे कुछ नहीं भी जानते होंगे, अगर आप UPTET या किसी भी राज्य की अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो उसके छोड़ दीजिए, अगर अपने प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी जो सर्टिफिकेट होती है इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए? और केवल उत्तर प्रदेश के लिए, केवल। लेकिन उसी के दौरान यदि आप इजिबिलिटी के साथ साथ CET उत्तीर्ण करते हैं तो भारत के किसी भी राज्य के लिए 7 वर्षों के लिए उत्तीर्ण होते हैं। तो आपके मन में सवाल उठता है, क्या सर अगर हम CET क्वालिफाई कर ले तो क्या UPTET क्वालिफाई करना पड़ेगा? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप सीधा सीधा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। किसकी? शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी आप प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि आप CET क्वालिफाई हैं। उस कॉलम में भरा जाता है कि CET या UPTET कौन सा क्वालिफाई है, रोल नंबर क्या है, आपका प्राप्तांक क्या है, यह उसके फॉर्म में भरा जाता है। वह यह नहीं देता कि UPTET पास है तभी आप सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब CET अगर आप उत्तीर्ण करते हैं तो 7 वर्ष के लिए DSSB नवोदय विद्यालय KVS जितने भी सेंट्रल के आते हैं पोस्ट उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस उत्तर प्रदेश के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए कि अब हमें अपना सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, CET पे, क्योंकि ये सबसे पहले, अगर ये गड़बड़ होता है आपके पास फिर समय बन जाता है किसको, UPTET को सुधारने का समय आपको पुनः मिल जाएगा। दूसरी बात है, एक बात मैं जो कहूंगा वो शायद आपको आश्चर्यचकित लगेगा, और आप हो सकता है कुछ लोग जो कोचिंग वाले वीडियो हमारी देखते हैं जो जिनको लगता है दुर्गेश सर अच्छा पढ़ा तो गाली भी देंगे उस पर, लेकिन उस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा जो शायद मैं शुरू से कहता रहा हूं, UPTET पास करना उतना ही कठिन है लेकिन CET पास करना बेहद आसान है। अब आप कहेंगे सर आप तो झूठ बोलने का पूरा ठीका लेकर रखे हैं, UPTET का रिजल्ट आता है 17% और CET का रिजल्ट आता है 9%, अगर ऐसा होता तो यह आता 28% और यह आता, इसका मतलब ये तो कठिन है, आप ऐसा कहीं बोल देते हैं? भाई सवाल तो मन में आना चाहिए, जरूरी नहीं मैं सदा सत्य ही रहूं। हाँ, अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि इसका मतलब यह है या तो इसको सही से पढ़ाया नहीं जाता या तो इसकी पेपर पैटर्न के बारे में किसी को नहीं पता। मैं पूरी बातें पूरी तरह से एकदम स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात, UPTET में जितने भी प्रश्न आते हैं, जैसे ये पूछ दिया जाए कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थान कहां है, 4 ऑप्शन दे दे, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या। अगर आपको अयोध्या नहीं पता है तो आपका क्या होगा विकल्प? अगर यहां पे CET में ही प्रश्न देगा कि आपके प्राथमिक कक्षा में हिंदी के विषयों में महापुरुषों को पढ़ाने का उद्देश्य यह है ताकि उनके उद्देश्यों को पढ़ने के बाद, 4 विकल्प दिया, बच्चों के भविष्य में उनकी सकारात्मक विचारों को उतारा जा सके, बालक राम की तरह लड़ना सीख जाए, भगवान की तरह वो रामलीला खेलना शुरू करे, या बालक उनकी कठपुतली बनाना सीखे, तो इसमें उत्तर क्या होगा? पहला। क्यों? आप तो पढ़े भी नहीं थे, आपने इसको कहीं याद भी नहीं किया था, आपने कैसे कर लिया?
आपने तो पढ़ा नहीं था, लेकिन आपने कैसे कर लिया? क्योंकि आपको ये पता है कि एक अध्यापक का एक कक्षा में क्या योगदान, क्या भूमिका होती है। अगर यह बात आपको पता है तो आप, मैं हजार बार कहूंगा कि आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, घर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गाइडेंस, उसकी रूपरेखा अगर आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसके लिए छोटा सा काम करना है। मेरी छोटी सी क्लास लगती है, बहुत बड़ी क्लास की नहीं होती, छोटी सी क्लास लगती है। उस क्लास के बाद मेरी 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी, उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करने के बाद जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू करिएगा, अगर आप 90 से कम जाइएगा तो तुरंत मेरे पास आइएगा, फिर दुर्गे सर फिर आपने गलत कहा। क्या क्या कहा मैंने? मेरी छोटी सी क्लास अटेंड करना है, कुछ चंद पन्नों की मेरी नोट्स पढ़ लेनी है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेनी है, उसके बाद जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे अगर 90 से कम आते हैं, 100 भी नहीं कहेंगे, क्योंकि पहला की बात करें पहले दिन, और जैसे तीसरी चौथी प्रैक्टिस सेट पहुंचेंगे आप अगर 110 प्लस न जाइएगा, फिर कहिएगा दुर्गे सर आप तो बोलते बहुत ज्यादा, नहीं कर नहीं दिखाते। अब कहें, अब हम कैसे कह रहे हैं, इस बात को पूरी तरह से कंफर्म कर देते हैं, पूरी डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और इसके लिए हमारी ऑनलाइन क्लास भी शुरू है, ऑफलाइन क्लास शुरू है, इसकी सभी जानकारी हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाएगी, जहाँ पे सर्च करेंगे दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, ई-लर्निंग भी दुर्गेश से जुड़ जाएगा, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर एक जगह। अब हम आते हैं इसके सब्जेक्ट की एक एकल एकल व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आता है CDP, उस दिन ही मैंने बताया था, आज फिर बता रहे हैं CDP। जो CDP होता है यहाँ पे 30 प्रश्न 30 नंबर के आते हैं, लेकिन जैसे सीटेट की CDP पढ़ते हैं ये दो सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, एक 15 नंबर का CDP, एक 15 नंबर का शिक्षण कौशल शिक्षण विधियां। अब ये 15 नंबर आपको रटना होता है, लेकिन CTT में इसको भी रटना। अब यहां फिर ये बताना है, क्या बताना है, यदि आप कक्षा में पहुंचते हैं या आपके जब आप कक्षा हाल में पढ़ा रहे होते हैं, यदि आपके सहपाठी या आपके मित्र क्लास में पहुंचते हैं तो बच्चे एक साथ खड़े होकर अभिवादन करते हैं, यह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के सिद्धांत की व्याख्या करता है? थार्नडाइक, पावलोव, स्केनर, क्वेल्बर, कौन सा? क्योंकि सर ये तो हमने कहीं प्रश्न इस टाइप का नहीं पढ़ा, इसीलिए सीटेट का रिजल्ट 9% आता है। किसका आप बताइए? आप कक्ष में अपने पढ़ा रहे होते हैं, अचानक आपके सहपाठी, आपके मित्र आपकी कक्षा में प्रवेश करते हैं, सभी बच्चे एक साथ खड़े होकर एक ही सुर में उनका अभिवादन करते हैं, यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की अनुपालन करते हैं? जब घंटिया बजता तो कुकुरा क्या करता था? क्योंकि बच्चों को इतना पता, अगर कोई एंट्री करेगा तो 100 भी चलाते गुड मॉर्निंग सर, सुना नहीं है क्या आपने? अगर 3 घंटे जो गलती चपरासी चौथा लगा दिया तो बच्चे तुरंत क्या हो जाएंगे? टिफिन लेके। तो अब कहेंगे सर ये तो कहीं प्रश्न ही नहीं पढ़े थे। इसके लिए सीटेट के लिए पढ़ना नहीं, सोच विकसित करना होगा, समझ विकसित करना होगा। अब UPTET के रट्टा मारना होगा। अब बनारस में मुझे बताइएगा कोई एक संस्थान, मैं तो नहीं कभी रहा हूं, कोई एक संस्थान बताइएगा जो सीटेट प्रॉपर कहते नहीं हो, पढ़ाते हो। कहना तो बहुत बड़ी, मैं सीटेट पढ़ाता हूं, मालूम क्या होता है, एक बात मैं ध्यान से बताऊंगा समझिएगा, क्योंकि आप लोग एक अध्यापक हैं। होता क्या है, जैसे अगर आपको आंख में दर्द होने लगा, आंख में दिक्कत होने लगा, क्या आप कान के डॉक्टर के मस्तिष्क डॉक्टर पास जाते हैं? क्यों? आंख दिखाना। लेकिन हमारे यहाँ के नियम क्या, कोई ध्यान सुनिएगा, बहुत बड़ी बातें हैं। हमारे कोचिंग संस्था खुल गई, मैं सीटेट की व्याख्या कर रहा हूं, पहले बात को समझा दो, खुल गई, ये लिखते हैं IEAS PCS कोचिंग चलती है हमारे यहाँ, फिर दरोगा आ गई UPSI चलती है, पुलिस आ गई, पुलिस, SSC, रेलवे, बैंक, लेखपाल, UPTET, CTS, सागदा पर जितनी परीक्षाएं सब पढ़ाते हैं। अब बताइए जब एक डॉक्टर दूसरे रोग का इलाज नहीं कर सकता तो क्या एक मास्टर हुआ कुल विषय पढ़वा सकता है? लेकिन आप सोचिए, एक अध्यापक और सोचिएगा कि आपका अगर प्रशिक्षण जो है प्राथमिक के लिए हुआ है और आपको अगर डिग्री कॉलेज पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, क्या आप पढ़ा पाएंगे? संस्कृत है, लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, ऐसे किताब लाते हैं, हमने देखा है ऐसा, ऐसे पढ़ते हैं और बच्चे छापते हैं। अगर कोई पूछ दिया, अगर आता तो ठीक है, उसी में से नहीं आया व्हाट्सएप कर देना, बता देंगे। हमने सुना ऐसे बच्चा के बताएं, अरे व्हाट्सएप करना तो गूगल में नहीं सर्च मार लेंगे, इतना दूर से उठना, सुबह पैसा लगाना, अपना समय व्यतीत करना, आपके पास आ रहे हैं आप पतंगा पढ़ने के लिए, वो तो 20-20 रुपया किताब मार्केट में मिल जाती है, अच्छी अच्छी किताबें जो आप लिखवाते हैं। आप लेक्चर सुनने आते हैं कि लेक्चर में याद होता है, आप किताबें पढ़ डाली 2-3 घंटे और 3 घंटों को मूवी देखिए, कौन सा बढ़िया व्याख्या करते हैं? क्यों?
लेकिन यहाँ वालों क्या कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें संस्कृत पढ़ाना है बस, इसे ला के हिंदी पढ़ाना बस वाच रहे, गणितिया जहाँ तक गणितिया हद हो जाती किताबिया में सवलिया बोलते हैं, एक अच्छा इधर सुधर नहीं होगा और सवलिया उन्हीं में से लगवाएंगे। लड़के इधर से पूछ दिया, हमसे ज्यादा जानते हो, बैठो आप ही ने पूछना, ताकि क्लास में बेइज्जती ना हो। आप छोड़ते हैं, ये बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और सीटेट कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, यूपी टेट सीटेट में जमीन और आसमान का अंतर है, लेकिन कहते हैं 15 नंबर आओ पढ़ा फीस दे, और बच्चे गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि एक का पैसा हम दोनों पढ़ने को मिलता है, और हम सही बताते हैं उनको समझते हैं दुर्गेश्वर मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन बाद में आते हैं, एक बार गड़बड़ाते हैं, दोबारा दुर्गेश्वर खोजते हैं। ये 15 नंबर शिक्षण, 15 नंबर की, ये जो 15 नंबर जितने भी सिद्धांत आपके सिलेबस में है वो सीधे नहीं पूछे जाएंगे कि त्रुटियों भूल का सिद्धांत किसी में कितने दिया, वो क्या होगा। अब कोई बालक स्कूल से घर के लिए निकला और रास्ते में अचानक बारिश हो गई, वह पेड़ के नीचे खोजा, पेड़ न मिलने की वजह से अपना बैग सर पर लेकर जा रहा है बारिश से बचने के लिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अनुपालन कर रहा है, वही बनदा वाला ऐसे याद करवाते हैं हमने, वो ऐसे सब सब पढ़ाते कैसे, फलाने नाम ही बनरा वाला का उधर था केला का है, अब केला उपलट को नहीं पता, अगर दिमाग ले ढेला मारे तो क्या है, सोच का सिद्धांत, दिमाग में आया ढेला मारेंगे नहीं गिरेगा, ठीक। तो ये 15 नंबर की शिक्षण विधियां है कि क्लास में कैसे पढ़ाना है। फिर लैंग्वेज तभी नहीं आएगा, अभी आएगा मैथ। इसकी कहानी बड़ी अजब गजब है, पता है क्या लोग बताते हैं, कहते हैं कि यूपी टीटी गणितिया पढ़ लो, सी टेट में 15 नंबर आएगा, और 15 नंबर आपको पढ़ लाजी बाद में पढ़ा देंगे, ऐसा भी ना हो तो काउंसलिंग किसी कोचिंग में जाकर पूछ लीजिएगा, ऐसे बताएंगे, कहेंगे 15 नंबर यूपी टेट वाले गणित पढ़ लो और 15 नंबर पागल आजीजिए परीक्षा का पढ़ा देंगे, 30 तैयार, एक का पैसा हम दोनों। लेकिन इसकी गणित एकदम अलग है, एकदम यूपी टीटी से एकदम अलग है, बस 3 अध्याय 4 अध्याय मैच करते, लेकिन पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है, वो इसे प्रश्न नहीं पूछता जिसे पूछते हैं, वो लसन मसा जानते कैसे पूछता है, सबसे छोटा सारा गुणज, सबसे छोटा सारा गुणन खंड, और यहाँ पढ़ाएंगे लसन मसा लड़के वहाँ जाए कन्फ्यूज क्या करे खो, लेकिन पढ़ाए तो रहे, उनको पैसे से मतलब है, उन्हें आपके करियर से कोई मतलब, तो ये 15 नंबर नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कभी सीटेट दिया नहीं हो, कहाँ जाने सीटें, मतलब वो आदि सवाद कुकुर कहाँ जाना है, बंदर कहाँ जाना है, मकोहलवर वाला जो ना बुला गए हम पावला वाला याद के लिए, ऐसे हंसते हंसते पूरे सिद्धांत याद हो जाएगी, इसे बतियाते रहेंगे अभी, इसके बाद हम लोग अंतर्व्यक्ति सिद्धांत चलेंगे, कि दिन शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि क्या है ये सब, ऐसे हम लोग क्लास में याद कर लेते हैं। मैथ में हुआ तो ये 15 नंबर की मैथमेटिक्स आते, लेकिन प्योर मैथमेटिक्स नहीं होते, अरे 15 नंबर का शिक्षण, कोई एक किताब का कोई नाम बता दे जहाँ ये 15 शिक्षण मिल जाए फिर हम जाने, कोई एक किताब ऐसी नहीं जिसे 15 नंबर शिक्षण मिल जाए, लेकिन हम आपको एक 12 से 15 पन्ने का नोट्स देंगे, उसको एक बार वाच लीजिए और मेरे कुछ क्वेश्चन उस प्रश्न को सॉल्व कर डालिए, ठीक। उसके बाद अगर शिक्षण में 15 में 12 ना सही हो फिर आप आगे कहिए दुर्गेश सर फिर आपने गलत कहा। अब कहेंगे इसे खाली कर रहे हैं करके दिखाइए, दिखा देंगे, हमारे रिजल्ट दिए हैं, 128 तक पाए हैं, 128 तक 150 में सीटेट में, क्योंकि यहां पढ़ना जिसको गणित नहीं, जिसको गणित डर लगता है उसके लिए सीटेट 30 में 25 करने का सुनहरा मौका देता है। एक गणित पता है क्या देता है, पूरा जोड़ घटाना गुणा भाग देता है एकदम। आप पूछेगा निम्नलिखित गुणनखंडों में गुणनखंडों की संख्या होगी, अब निकालत रहे और हमें एक ट्रिक बताएंगे तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि वो प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है क्या, ये खुद का मेरा सब्जेक्ट है दोनों, इसलिए इसमें मजा आता है बोलने भी, और ये मेरा खुद का सब्जेक्ट है, ईवीएस की मेरी गारंटी है कि 15 नंबर का पेपर, अच्छा पहले और कोचिंग वाले का हाल बता दें, और इसे सुने होंगे आप लोग तो मजा भी आ रहा होगा कहेंगे आप हमारे एडमिशन कराइए, सीटेट की चिंता मत करिए, पर्यावरण में 15 नंबर तो पर्यावरण चल रहा है यूपीटेट का, वहां पढ़ लीजिए और बाद में सीटेट 15 नंबर पढ़ा देंगे। लेकिन अगर जब से सीटेट हो रहा है तब से लेकर आज तक अगर कोई यह दिखा दे कि यहां से यूपीटीटी का एक ही प्रश्न सीटेट ने पूछा हो तो उनका जूता मेरा सर, पूरा कक्षा 3 4 5 की एनसीईआरटी किताब को पूछा है, और न विश्वास इस साल का पेपर लाइए, हम किताब के पेज नंबर के साथ बता दें, अब मार्केट में कोई एक किताब का नाम बता दे जिसमें ईवीएस का ये 15 में 15 नंबर दिला दे, और हम 8 पन्ने का नोट्स है, इस बार 13 क्वेश्चन फंसा 7 जुलाई वाले में, और टेलीग्राम पे अपलोड है, फंसा है ना,
आपके पास है ना, प्रमाण है। और कोई बाजार की एक किताब का नाम बता दे जिस किताब में वो दस्तों फंसा कर दिखाते, वो पता है क्या लिखते हैं, पास की तंत्र हे हाउ पता नहीं का पढ़ा होते हैं, परिवार आवास आश्रय वो अपने ढंग से पढ़ाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। उसका सिलेबस डिजाइन इसलिए किया गया, एक अध्यापक का कक्षा कक्ष में का योगदान होगा। आपकी नियुक्ति एलिमेंट्री कोर्स के लिए हो रही है और हम पढ़ते हैं कौन सा, डिग्री कॉलेज वाला सिस्टम। लोग परीक्षा वाणी नामक पर्यावरण की किताब लाते हैं और कवर लगा के वही लड़के ने लिखवा होते हैं, पन्ना पलट लड़के लड़कियाँ दिखा ना पाए। अच्छा मोबाइल से नया सिस्टम, फोटो खींच लिए हैं हाँ, लेकिन भैया हम तो देखे तो हम कुछ ना छू, हम जी गए हाँ। फिर आते हैं इसकी 15 नंबर पैगोलॉजी। इसकी पैगोलॉजी पता है एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, इन दोनों में कैसा ट्रिक बताएंगे कि पूरे पेपर में 17 नंबर बिना पढ़े आप करेंगे। एक ट्रिक खाली कहेंगे फिर झूठ बोले, हम कहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर लाओ, वह ट्रिक यूज कर लो और सॉल्व करो। एक ट्रिक है 17 नंबर 15 ज्यादा सही होगा, मतलब इसको तुक्का कहते हैं आप, जैसे एक जो शब्द आ जाए उसमें एक शब्द वो शब्द उतरे तो और विकल्प सही, क्योंकि शब्द की व्याख्या, क्योंकि हम लोगों ने क्या है पूरा पेपर एनालिसिस किया भैया, हम खुद अभ्यर्थी थे हैं अभी भी हैं, तो मुझे पता है कि हम उसी बीमारी डॉक्टर हैं। जैसे अगर आप नैरो सर्जन के पास जाएंगे तुरंत बता देगा ये प्रॉब्लम है, और वो बाकी डॉक्टर दिखाते रहिए नस की प्रॉब्लम है, वहाँ डॉक्टर के हड्डी डॉक्टर दिखाते रहे दवाई चलाओ रही कहीं आराम है अगले हफ्ते खाव है, लेकिन वो जाते बता देगा वो ये दिक्कत है तुरंत लिख देगा। जैसे किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ जाते हैं पता सर उसका फीस 1000 रुपये, आप बैठते हैं तुरंत तो कलम शुरू हो जाता, आप आते हैं देखो ना कि पैसे ले लिए, लेकिन 3 दिन बाद आपको क्या होता है, अब पता चल झोला साहब गांव के डॉक्टर पहुंचे निडिल लगा दिए। ठीक ये दिफा में जाने दीजिए तब जाइएगा। अब आते हैं सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या आता है, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, अगर आपने हिंदी रखा है यहाँ क्या पढ़ाते हैं, मैंने जितनी भी टेट की कोचिंग चलती है आपके वाराणसी जौनपुर इलाहाबाद में सबसे मजे आता है इसमें व्याकरण पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, व्याकरण आया है, आपने पेपर दिया होगा सीटेट का दिया किसी ने, अरे फर्स्ट बार खरीदिएगा बाजार से, पता है उसमें 15 नंबर का पैसेज होता है, इसमें भी 2 पार्ट होता है, मिटा दे क्या ये 15, ये हिंदी लेते हैं हिंदी, इसमें आता है कितने नंबर का, ये 15 नंबर का पैसेज, इसमें 2 पार्ट होते हैं ध्यान से देखिएगा, 9 नंबर का गद्यांश, 6 नंबर का, और उही में रहता है, माने ऐसा है कि आप 15 में 15 ला सकते हैं, 15 एकदम मतलब एक को नंबर इधर उधर हो भी नहीं करेगा, क्योंकि पूरा पैसेज में रहता है। अब 15 नंबर अगर एक मास्टर है तो लड़कियन कैसे पढ़ेगा, ये कै नंबर में है, ये 12 पन्ने का नोट हम आपको देंगे, खाली 12 पन्ना बस, 12 पन्ना या बढ़ा गया थोड़ा सा 18 पेज बस, ये 15 में। एक भाषा अध्यापक काम क्या है, अगर आपकी क्लास में बच्चा तो तला के बोल रहा है अब क्या करेंगे, मार सारे की भगाओ, यही सब आपको सीखना है, यही बेसिक चीजें सीखना है। अगर कोई बालक किसी शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, शब्द भेद नहीं कर पा रहा, नहीं पढ़ पा रहा, तो क्या करेंगे आप, कहानी क्या, किसी प्राथमिक कक्षा में कहानी सुनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, कहानी से बच्चों क्या सीख लेना चाहते हैं। आप कहेंगे सर ये तो हमें व्याकरण पढ़ाने हमारे कोचिंगिया वाले, तो कहाँ सही कर, 9% आई बाका लड़के ने कहा कि सीटेड एक में हो, उनको पता नहीं है चित्रकला का मतलब क्या होता है। आपको पता है बच्चे जब चित्र बनाते हैं उसे क्या सीखते हैं, वो भाषा ज्ञान होता है, कभी सीखा आपने चित्रात्मक भाषा ज्ञान, 2 चित्र रख देते हैं कहते हैं इसमें 10 अंतर खोजो, तो बालक के अंदर पूरी डायग्राम बनती है, 10 अंतर के लिए पूरा सीखता है, उस चित्र को महसूस करता है, वो भाषा आता है इसके अंदर, इस 15 नंबर के अंदर वो सिलेबस में है आपके, वो चित्रात्मक सीखता है, जैसे देख लिया ये मोटा है ये पतला, वो जानेगा ये मोटा है, और ये कलर का ज्ञान होता है, रंग का ज्ञान होता है, उसके आकार का ज्ञान होता है, किसको, बालक को। लेकिन लोग क्या कहते हैं, पढ़ाते हैं व्याकरण, और न विश्वास हो तो 2-4-5-10-20 कोचिंग डेमो लेके देख लीजिए आप। फिर आते हैं आगे हम, ये 15 नंबर का हो गया, अब आते हैं लैंग्वेज सेकंड, संस्कृत इंग्लिश रखे सेम प्रोसेस वहां पे, अगर लैंग्वेज सेकंड में कुछ नहीं करना है यहां क्या लिख देंगे, इंग्लिश या कुछ करेंगे नहीं, 9 नंबर गद्यांश, 6 नंबर, जब हमको सही हो गया हमारा दूसरे का बताएं, हमको संस्कृत स नहीं आता, खाली कुछ नहीं पद्य सौ पढ़ते गए एक जुगाड़ उसका आता है, वो जुगाड़ आपको बता देंगे, मतलब एक दवा खुराक खा लेंगे तो आराम हो जाएगा। ठीक हाँ, ज्यादा एंटीबॉडी मत लीजिएगा नहीं कभी बड़ी बीमारी हो जाएगी दिक्कत होगी। हाँ तो अब वहां क्या करना है, जैसे शब्द आएगा उसको वही रंग देना है,
और रंग देंगे हम 23 तो पा गए इस बार 30 में। आश्चर्य की बात इसको संस्कृत नहीं आता, सह नहीं आता और कितना पा गया यूपीटीटी में 6 टॉप आए थे। देखिए बुरा नहीं माने जो हकीकत है, यूपीटीटी में कितना पाए थे 30 में और एक तो पीछे महिला बैठी बेचारी को कहेगी जाने दीजिए कहीं हम पीजीटी तैयारी करते हैं, हमने सोचा सही बता रही है बेचारी, हमने उसकी मदद किया और कही भाई सुबह पढ़ कर आए हैं हमको 6 नंबर। इस बार कुछ नहीं किए, अपना नियम फॉलो किए पीटीटी में 23 गद्दार पद्यार सही कर लिए, बाकी पैगालॉजी जो हिंदी पढ़े थे सब काम कर गया, एनसीएफ 2005 क्या है, आरटीई का है, ठीक 22 भाषाओं का सूची में था, बस यही सब पढ़ के गए थे, गए सही हो गया 23 टू पा गए 30 में 23 टू। कुछ नहीं अपना नियम खाली फॉलो किए थे, दूसरे का नहीं अपना नियम फॉलो किए। तो आप लोग भी सीटेट पास करना आपके लिए हमारे सबके लिए आसान है और आपके सामने परीक्षा है, कुछ मत करिए। अगर आप घर से पढ़ना चाहते हो तो हमारी नोट्स आपके लिए एकदम रामबाड़ी काम करेगी, नोट्स ले लीजिएगा। अब बाजार से क्या खरीदना होगा आपको, एक चीज प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर लेना होगा, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लेंगे तब तक आपको ये समझ में आएगा दुर्गा सर की नोट्स काम करती है या नहीं, ये सही दवा है कि नहीं, इतना ज़रा दे दिए जड़ी बूटी और काम है नहीं किए। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा हम तो इतना स्कोर करते जा रहे हैं, इसका मतलब जो दुर्गा सर पढ़ाए वो बेस्ट है और उसकी क्लास भी आपको लगेगी और उसकी क्लास दो लगती है, एक तो हम बताएंगे सिलेबस वाला, एक तो अपना पढ़ाते हैं, दो पढ़ाते हैं, क्योंकि पता है जब आप क्लास में फीस देते हैं तो आप सिलेबस मिलाते हैं, सर जी पूरा ना है बाबा, तो पहले सिलेबस खत्म कर दिए थे फिर कहते आप हमारे हिसाब से पढ़ा, क्योंकि आपको पास होना सिलेक्शन लेना है, आप मेरे हिसाब से पढ़िए। तो वही कहानी सुनाते हैं, एक अध्यापक है ये जो प्रश्न बनेगी तो बहुत आसान है, स्कोर आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है और वाराणसी में ही ब्रांच चल रही है, अगर आप वाराणसी में इच्छुक हैं यहाँ आ सकते हैं, जौनपुर में जौनपुर उसके साथ किसी भी जगह है तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी आपके लिए उपलब्ध है, उसके लिए नंबर आपको सामने पड़ा है 6306344367 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के लिए 7355179012 पे है और यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास नोट्स पीडीएफ फाइल प्रैक्टिस सेट सब कुछ उपलब्ध है और एसटी भी उपलब्ध है, ओरिजिनल पेपर हम एसटी कराते हैं, जैसे पेपर बंद कराती पहला कवर होता है सब कुछ वैसे हम कराते हैं, सील लगी होती है, हम पूरी व्यवस्था कराते हैं ताकि आपके अंदर जब तक फील ही नहीं आएगा परीक्षा का तब तक आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। आप इस वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर उस सीटेट की तैयारी करने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाए, जो लोग गुमराह करके रखे हैं कि नहीं सीटेट यूपीटेट एक है उनको ये बताइए कि एक भी प्रश्न एक नहीं है, अगर नहीं हो तो मेरे पास प्रीवियस ईयर के पेपर पूरे पड़े हुए हैं, गड्डी पेपर है, हम आपको दिखा देंगे और आप भी देख लीजिएगा, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बेस्ट ऑफ लक लगे रही जहां भी पढ़िएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपको सिलेबस के आधार पर पढ़ाया जा रहा है या कहीं आपको जैसा यहाँ बहकाया जा रहा है वैसे वहां भी तो नहीं बहकाया जा रहा है, इस बात को भली बात ही जान लीजिएगा और मेरे साथ जुड़ना तो आपका मोस्ट वेलकम है। जय हिंद जय भारत।